भी धड़ा है, अब नाम क्या लूँ, सब आप सब जानते हैं। और जो है तो शाम के अंदर कोई बाय इलेक्शन नहीं होने वाला, कहीं और अगर हो रहा हो किसी का तो वो उसका मैं कह नहीं सकती। सही जगह पे जो बोलना था वो मैं बोल। उसके बाद अगर अलग थलग करने की कोशिश करेंगे तो जवाब हमारे को भी देना, जवाब हमारे को भी देना। 20 तारीख की रात को मैं वहीं थी और 21 तारीख को भी स्टेज के ऊपर उनको मैंने रिसीव करा था। लेकिन उस समय जो है वो ठंड लग गई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कंजेशन अभी तक हो रहा है। 5-6 दिन मैं बहुत बुरी तरह से बुखार के अंदर पड़ी हुई थी, इसलिए नहीं ले पाई। और जो ये कयास लगाए गए और जो फैलाया गया सारा का सारा, जो जैसे मैंने कहा ना, मेरे शुभचिंतक कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, तो वो उन्होंने ये जो सारी बातें कही है उनके मुंह के ऊपर आके पड़ी, क्योंकि मैंने सही जगह पे जो बोलना था वो मैं बोल चुकी। एक ही धड़ा है, अब नाम क्या लूँ, सब आप सब जानते हैं। और जो है तो शाम के अंदर कोई बाय इलेक्शन नहीं होने वाला, कहीं और अगर हो रहा हो किसी का तो वो उसका मैं कह नहीं सकती। लेकिन तो शाम के अंदर, तो भैया भगवान मेरे को सेहत दे, तो शाम के अंदर जो है बाय इलेक्शन नहीं होने जा रहा। और जहाँ तक ये शुभचिंतकों की बात है, देखो ये मिसलेड लोग हैं, मिस्चीवियस लोग हैं, और इनको खुद ही नहीं मालूम कि ये जो करने की कोशिश करते हैं ये अपने ही आकाओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि मेरा सबको मालूम है, ऊपर वालों को भी मेरे बारे में मालूम है। ये जो इस तरह की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से स्पष्ट दर्शा देते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो है इतनी ज़बरदस्त जो है ये खींचातानी है, तो उसका नुकसान किसको होता है, इनको ही होगा नुकसान जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे के लिए। अब शुभचिंतकों के अंदर जो हैं आप सब जानते ही हैं, सबको तकलीफ ये हो गई है कि मैं हरियाणा के अंदर निकल आई हूँ। पहले मैं सीमित थी भिवानी तक, अब वो जो है मेरे को वो कहते हैं ना चूटियाँ लगा लगा के जो है कर दिया काम मेरा पूरा। तो मैं बाहर सारे जिलों के अंदर निकल रही हूँ, और आप जानते हो अच्छी तरह से कि आज मैं ना विधानसभा, ना मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, ना मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ एमएलए के नाते, फिर भी पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर दम रखती हूँ, अपने हिसाब से दम रखती हूँ। इस बात की जो है तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। आपके सुचित को आप ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जो आपको बार-बार पार्टी छोड़ने की चर्चा हो रही है, आप कांग्रेस से कहीं नहीं जाने वाली? बिल्कुल पूरी तरह से। और यही नहीं, वो जो चर्चाएं तो उनके बारे में चला करती थी, अब मेरे ख्याल में अपनी चर्चा को जो है दबाने के लिए मेरे ऊपर क्या कहते हैं प्रहार करा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार ये कहा जाता है कि तमाम जो हरियाणा कांग्रेस है एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हुई, आपको क्या लगता है इसमें धड़ेबाजी देखने को मिली या फिर एकजुट? देखो राहुल जी का जहाँ तक सवाल है, वो हमारे नेता हैं और उनके लिए हम सब समर्पित हैं, और इसलिए हम सारे के सारे जो हमारे से हो सकता है, जैसे मैं अलग से मीटिंग ले रही हूँ, भिवानी की 2 तारीख की मीटिंग जो है श्रुति अलग से ले रही है, मैं सारा जो है करनाल अम्बाला कुरुक्षेत्र ये जो पूरा लाइन में जाएंगे, जहाँ से जाएंगे वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की, यमुनानगर तक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैं ले चुकी हूँ। तो ये सारी तैयारी जो है हमने कर दी है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हमारे नेता हैं और उसके लिए जो है हमारे को सबको एकजुट होकर काम करना है। उसके बाद अगर अलग थलग करने की ये कोशिश करेंगे तो जवाब हमारे को भी देना आता है। मैम आदमपुर में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जैसे मेरे साथी ने बताया कि पूरा इलेक्शन जो है कैप्चर करने की कोशिश की, पिता पुत्र एक जोड़ी ने अपने ऊपर कहीं ना कहीं पूरा जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया, ऐसे ही आपको लगता है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इस प्रकार से स्टेज पे कुछ तस्वीरें भी सामने आई देखने को, चर्चाएं भी उनकी, तो वो भी यात्रा भी कुछ इस प्रकार से कैप्चर करने की कोशिश? देखो जो पदों के ऊपर बैठे होते हैं ये जिम्मेदारियां उनकी होती हैं, और अगर वो जिम्मेदारी पूरी अपनी नहीं निभा पाते हैं तो नेचुरली जो है उनकी तरफ ही उंगली उठती है, दूसरों की तरफ तो उंगली उठेगी नहीं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।